विभाग फतेहगढ़ के सचल दल प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर विजय कुमार त्रिपाठी ने अपनी टीम के साथ कंपल बाईपास रोड पर चेकिंग की। इस दौरान कायमगंज से लगभग 12 लाख रुपए की 500 बोरे तंबाकू लादकर गुवाहाटी समझा रहे ट्रक को पकड़ा। चालक द्वारा मौके ट्रक पर लदी तंबाकू से संबंधित प्रपत्र उपलब्ध न कराने पर ट्रक को संदेह के आधार पर पकड़कर कायमगंज कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए मालिक को बुलाया और पूरी जांच पड़ताल की। कागजात पूरे होने पर और कोई अनियमितता न मिलने पर ट्रक को रिलीज किया। हमने जो गाड़ी रोकी, ट्रक था यूपी 78DT 0065 जिसमें तंबाकू लोड थी, बंदर ढोलक छाप और दो फर्मों का उसमें बिल था। दो फर्मों से माल जा रहा था, माल अपने यहाँ कायमगंज से लोड होके आसाम के लिए जा रहा था, तो संदिग्धता के आधार पर रोकी कि इसमें जो पेपर हैं और जो माल ट्रक में लोड है वो पेपर से आच्छादित है, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए गाड़ी को डिटेन करके गाड़ी को भौतिक सत्यापन भी कराया गया, गाड़ी को अनलोड भी कराया गया और देखा गया कि इसमें कहीं कोई माल इससे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सत्यापन के बाद ही पाया गया कि माल प्रपत्रों से आच्छादित है और ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगली कार्रवाई क्या होगी। फिलहाल